वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। देश में अगर सुप्रीम कोर्ट न हो तो क्या हो? आम भारतीयों के मन में अक्सर यह सवाल कौंधता होगा। जो काम सरकारों को करने चाहिए वे भी सुप्रीम कोर्ट को ही कराने पड़ते हैं। मानो सरकारों ने ठान रखी हो कि काम तभी करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाते हुए उन्हें आदेश देगा। ताजा मामला सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने को लेकर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 साल पहले आदेश दिया था कि सेना में महिलाओं को भी कमीशन दिया जाए। केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई। बावजूद इसके केंद्र ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि सामाजिक एवं मानसिक कारण को आधार बनाकर महिला अधिकारियों को कमीशन से वंचित रखना न सिर्फ भेदभावपूर्ण है बल्कि अस्वीकार्य भी है। सेना में कार्यरत महिला अधिकारी लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती आ रही हैं। उनका तर्क है कि जब वे सेना में कार्य करने की पात्रता रखती हैं तो उन्हें यह अवसर दिया जाना चाहिए। एक तरफ महिलाओं को समानता देने के लंबे चौड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बात जब अधिकारों की आती है तो इसमें अड़ंगे लगाए जाते हैं। देखा जाए तो समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ सवाल उठता है कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के लिए अदालतों को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ता है? हर मामले में अदालत कहे तभी सरकार क्यों जागे? सरकारों को चाहिए कि वे अपने स्तर पर मामलों का निस्तारण करें। देश में मौजूद अनेक समस्याओं का समाधान अदालतों के बिना भी हो सकता है। जरूरत दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाने की भी है और अधिकारियों की तरफ से लगाए जाने वाले अड़ंगों को समझने की भी। महिलाएं जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकती हैं तो दूसरी सेवाओं में उनके साथ पक्षपात क्यों? देश की आधी आबादी इतने सालों बाद भी अपने को उपेक्षित क्यों समझे? ये विषय राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक हैं और सीधा सीधा मानसिकता के साथ जुड़ा हुआ है। जरूरत बदलते दौर में मानसिकता को बदलने की भी है। संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण का मामला सबके सामने है। संसद के हर सत्र में अनेक कानून बनते हैं लेकिन महिला आरक्षण का मामला अब भी लंबित है। महिलाओं के अधिकारों को
लेकर सेमिनार और गोष्ठियों से तस्वीर बदलने वाली नहीं है। यह सही है कि आज़ादी के बाद से महिलाओं को अनेक हक मिलते हैं, लेकिन यह भी सच है कि हक पाने के लिए महिलाओं को संघर्ष भी करना पड़ा है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि महिलाओं के अधिकार उन्हें बिना आंदोलन के ही दिए जाएं?